मोक्ष मां, आप कब आई? आप खड़ी क्यों बैठी है ना? देखिए ना, इतना टाइम हो गया मुझे आए हुए, एक पल ऐसा नहीं मिला कि आपसे बैठ के बात कर सकूं। स्विमिंग के लिए जा रहा है? हाँ माँ, इतना सब कुछ चल रहा है ना, दिलो दिमाग शांति नहीं हो रहा। सोचा स्विमिंग कर लेता हूँ, शायद दिमाग ठंडा हो जाए। लेकिन मैं जानता हूँ आपसे बात करूंगा ना, मेरे मन को भी ठंडक मिल जाएगी। मोक्ष बेटा, कुछ गलत करने से जो उथल पुथल मचती है ना, वो बात करने से नहीं, उस चीज को फिर से सही करने से सही होती है। मैं कुछ समझा नहीं हुआ। इसमें समझने और समझाने वाली कोई बात ही नहीं है मोक्ष, क्योंकि तू जो कर रहा है वो गलत है, और मेरा बेटा मोक्ष कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं है बेटा। आखिर कौन है जो मोक्ष को मेरे खिलाफ भड़का रहा है? बिना प्यार की शादी करना गलत नहीं है। बताइए, आपको लगता है दिया और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रह पाते? देख मोक्ष, तुझे जो करना है तो कर। मैं बस इतना कह रही हूं कि इस वक्त निशिगंधा से सगाई मत कर। दिया ने बहुत मेहनत करके सगाई की सारी तैयारियां की हैं। किसके लिए? तुम दोनों के लिए। और अब तू उसी जगह उसी मुहूर्त पर किसी और से सगाई कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी बेटा, उस बेचारे का दिल इतना बेमन दुखा। मोक्ष 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 कहाँ हो मोक्ष?